हेलो, क्या हाल है आप सब लोगों के। तो जैसा कि आपको पता है, पुराने ब्लॉग में मैंने बताया था कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, वीज़ा आ गया है। तो कल की मेरी फ़्लाइट है, बताना है आपको। कल मैं जा रहा हूँ, कल की फ़्लाइट है। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं जाके हेयर कट करा लूँ और दाढ़ी को भी ट्रिम कराऊँगा ताकि थोड़ी लुक अच्छी लगे दाढ़ी की। वैसे तो दाढ़ी कुछ खास है नहीं मेरी। और फिर सोचा है कि फेस पे भी कुछ करा लूँगा, क्लेंजिंग वगैरह, जिससे कि थोड़ा उम्मीद तो है गोरा हो जाऊं, पर पता नहीं होता, नहीं होता। तो चलते हैं, कराते हैं। और उसके बाद मेरे को नहा धो के फिर PCR टेस्ट कराने भी जाना है, वहाँ भी चलना आप मेरे साथ, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं जाने से पहले करानी। गाड़ी निकाल रहे हैं हम, अब रिवर्स कर रहा हूँ। गर्मी बहुत है, बंदा पिघल जाए, इतनी गर्मी हो रही है दिल्ली में। अभी सुबह के 10 बजे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है। 2 बजे वाली गर्मी हो गई है, 2 बजे वाली गर्मी हो गई 10 बजे। शॉप पे पहुंच गए हम, ये शॉप है सामने वाली। तो यार हमने कटिंग करा ली है, शेव भी करा ली है और हमने क्लिनजिंग भी करा ली है, मतलब कि थोड़ा चेहरा साफ वाफ करा लिया है। पर फेशियल वगैरह कुछ नहीं कराया, फेशियल अलग होता है। मैंने बताया था फेशियल नहीं कराना चाहिए जाने से पहले मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर उसमें कुछ टेक केयर करनी होती है स्किन की, ऐसे धूप में नहीं जाना और मिट्टी नहीं लगनी चाहिए चेहरे पे। तो वो सब तो आप नहीं कर पाओगे मैनेज, क्योंकि जब आप बाहर जाओगे धूप वूप तो लगेगी ही बाहर जब जाओगे। तो इसलिए मैंने सिर्फ क्लिनजिंग कराई है, आपको बताना था। और अब काफ़ी खुजलियाँ मचली हैं कटिंग कराने के बाद, तो अब जाके नहाता हूँ, फिर चलेंगे PCR टेस्ट कराने, क्योंकि अब 24 आवर्स ही रह जाएंगे फ़्लाइट में, क्योंकि 1 बजे की फ़्लाइट है। तो अभी हुए हैं 11:39, तो फिर 1:15 की फ़्लाइट है, तो 1:15 के अराउंड ही मैं कोशिश करूँगा सैंपल लें मेरा, ताकि बिल्कुल 24 आवर्स बिफोर 24 आवर्स ऑफ डिपार्चर होए वो सैंपल। तो चलो अब घर चलते हैं। कटिंग करा के घर आ गया हूँ मैं, और मैं नहा चुका हूँ। अब कटिंग ऐसी हुई है, आप देख लो कैसी हुई है, बहुत छोटे बाल करा लिए मैंने इस बारी, जाना था ना इसलिए। और अब मैं जा रहा हूँ अपना RT-PCR टेस्ट कराने। तो ये बात मैंने आपको बतानी थी बहुत ज़रूरी, कि जब आप अपना RT-PCR टेस्ट करने जाओ तो आपने चेक करना है कि जिस लैब से आप करा रहे हो ICMR अप्रूव्ड लैब होनी चाहिए वो, और जो आपकी टेस्ट रिपोर्ट होगी उसके अंदर चार चीज़ें होनी चाहिए: आपका फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर और QR कोड। तो ये चार चीज़ें आपकी उसमें होनी चाहिए, कोविड की जो रिपोर्ट होगी, कोविड टेस्ट रिपोर्ट कहते हैं उसको, तो उसके ये चार चीज़ें होनी चाहिए। तो जिस लैब से आप कराओ उसमें आप ये पहले पूछ लेना कि ये आपकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट में चार चीज़ें होती हैं कि नहीं होती। तो मैं भी अभी जा रहा हूँ, मैं भी उनसे पहले पूछूंगा फिर कराऊंगा। तो चलो चलते हैं। इस डायग्नोस्टिक सेंटर पे आया हूँ मैं अभी, चेक कर लिया मैंने, ये रजिस्टर्ड है उनसे ICMRC से। चलो चलते हैं अब। तो यार मैं वापस आ गया हूँ सैंपल देके। वहाँ पे ना ज़्यादा रिकॉर्ड करने दिया नहीं उन्होंने, क्योंकि एक क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी, आपको दिखाऊंगा अभी, मतलब दिखा चुका हूँ, बाद में बोल रहा हूँ। एक क्लिप तो रिकॉर्ड करी, पर जब वो नेजल स्वैप करते हैं ना, तो मैंने बोला पापा को कि ये रिकॉर्ड कर दो मेरी वीडियो, तो उन्होंने कहा कि ये अलाउड नहीं है रिकॉर्ड करनी, तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप जाओगे टेस्ट कराने, अपना पासपोर्ट लेके जाना और वही चार चीज़ें पूछना। मैंने भी पूछी, उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें होंगी आपके कोविड टेस्ट रिपोर्ट में, और
और एक और चीज़ बताती है, हाँ कि वो लैब जो है वो वेरीफाइड है कि नहीं है, तो अप्रूव्ड है कि नहीं है, वो मैं एक लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन से, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से एक PDF डाउनलोड कर लेना। फिर वहाँ पे जो भी आप लैब पे जा रहे हो उसका नाम कंट्रोल F करके या फिर पता ही है सबको फ़ोन में, ऊपर PDF में भी फाइंड का ऑप्शन होता है, तो वहाँ से उस लैब का नाम सर्च कर लेना, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि वो लैब जो है वो रजिस्टर्ड है उनके साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।